हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी पैरामिलिट्री के परिवारों को नमस्ते, सैल्यूट, सलाम। ये फॉगी स्मॉगी मॉर्निंग आपको मुबारक। जैसा कि आप जानते हैं, दोहराने की जरूरत नहीं कि हम लोग पिछले 7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों को भी छुआ। उम्मीद करें कि बेहतर रिजल्ट आए। इस दौरान ये जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ मुश्किलें भी आई, कुछ दिक्कतें आई, लेकिन आपको जानकर एक बहुत बड़े हर्ष की बात है कि हमने कोरोना पैंडेमिक इस महामारी के दौरान भी हमने हार नहीं मानी और हमने अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, जिसका आपको पिछले 2 साल से लगातार प्रिंट मीडिया, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया के माध्यम से हम बराबर हम सोते नहीं है साहब। रातें जो है जो जागेगा वो पाएगा और हमें तो नींद ही नहीं आती। न जाने क्या हुआ मुझको है। अभी हम जो है कल एक TV9 उत्तर प्रदेश के श्री अमिताभ अग्निहोत्री साहब ने एक बार फिर से उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली के लिए चौकीदारों की, पैरामिलिट्री के जवानों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक बार नहीं कई बार डिबेट की है। और कल तो उन्होंने बहुत बड़ा एक दबंगई आवाज में जो है राजनीतिकों की भी बखिया उधेड़ी और उन्होंने कहा कि भाई इन जवानों की पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने सत्ता के जो सत्ताधीश बैठे हैं राजनीतिक गलियारों में उनके ऊपर एक सवाल उठाया। उनको लाखों पैरामिलिट्री परिवारों की तरफ से बहुत बहुत सैल्यूट। पहले एक दो बार हमें भी उन्होंने बुलाया। बड़ी बात, इस तरह अगर ये लोकतंत्र का चौथा खंभा अगर सब लोग करने लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी का ऐतिहासिक दिन, वो पुलवामा शहीदों का दिन, और मैं उन खासकर ओपीएस जो सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं ओपीएस, उनको हम कहते हैं कि आइए ना अभी ओपीएस का अपना जो लिखते हो आप उसको ग्राउंड जीरो पे करके दिखाइए। आप अपने फादर मदर को भेजिए ना भाई। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। अरे हमने चैनल बनाया भैया साहब, चैनल बनाया है द वॉइस ऑफ अर सैनिक। उसी को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो आपको हम क्या उम्मीद रखेंगे, आप हमारा साथ दोगे? लेकिन नहीं, दूसरे की धोती पे हम त्योहार नहीं मनाते, याद रखिएगा। 10 बार बोला गया ट्विटर पे आइए, अपनी घरवाली का ट्विटर पे अकाउंट खुलवाइए, आपने नहीं खुलवाया, कोई बात नहीं। लेकिन हम जो है 14 फरवरी को आएंगे और मैं शहीद परिवारों को अपील करता हूं, उन मार्टर्स फैमिली को अपील करता हूं जिनके ननिहाल, जिनके जो जिनके पेड़ जिनकी छाया में वो बैठती थी, उनके बूढ़े माँ बाप, हम उन शहीद परिवारों को अपील करते हैं। रणवीर सिंह की अपील की आई है 14 फरवरी को राजघाट, वेटरन्स को, डिफरेंट स्टेट के वेटरन्स को, पैरामिलिट्री परिवारों को हम अपील करते हैं आइए राजघाट। टीवी, पत्रकार, सोशल मीडिया, जितने भी अपने जो मीडिया कर्मी भाई हैं, लोकतंत्र का चौथा खंबा, उनको भी हम आह्वान करते हैं कि आइए। अपनी TRP तो आपने बहुत बढ़ाई थी, अब कुछ हमारे बारे में भी रेज कर दीजिए, यही सबसे बड़ी बात होगी। मैसेज को फैलाइए और मैं सीनियर रैंक के अफसरान को भी आइए ना, HR सिंह की तरह समय दीजिए।
घर बैठे बात नहीं बनेगी साहब, बंगले से निकल के आइए, सुविधाओं को थोड़ा त्याग करके आइए ना, उनको भी लेके आइए जिन हजारों कमांड आपने की है। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा जाए और खिले से रहें, मैसेज को शेयर किया जाए, एक ही नारा 14 फरवरी चलो दिल्ली चलो राजघाट, बापू की समाधि संत की समाधि आवाज जाएगी। ओके थैंक यू सो मच, मैसेज को फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर पे आइए, ट्विटर बाबा पे, अपनी फैमिली को लेके आइएगा। थैंक यू सो मच।